भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। ज्योति ने अपनी शिकायत में पवन पर उन्हें मानसिक तौर पर हैरस करने के साथ साथ जबरदस्ती अबॉर्शन कराने का भी आरोप लगाया है। इनके अलावा ज्योति ने पवन पर उन्हें सुसाइड के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया है। बताते हैं भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और ज्योति ने साल 2018 में शादी रचाई थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पवन सिंह और उनके परिवार ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। इनके अलावा भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर के बारे में उनकी पत्नी ने क्या क्या बातें खोली हैं, हम आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपनी शिकायत में ज्योति ने पुलिस को बताया कि पवन सिंह की माँ प्रतिमा दास और उनकी बहन उन्हें उनके लुक्स के लिए ताने मारती हैं। केवल इतना ही नहीं, पवन सिंह की माँ ने ज्योति से करीब 50,000 रुपए लिए थे जो ज्योति को उनके मायके से मिले थे। ज्योति ने आरोप लगाया कि पैसे लेने के बाद भी पवन की माँ उन्हें हर रोज गालियाँ दिया करती हैं। ज्योति ने पवन सिंह और उनके परिवार पर आरोप लगाया कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें अलग अलग तरह की नशीली दवाइयाँ दी जाती थी जिसके कारण उनका मिसकैरेज हो गया था। पुलिस ने दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार ज्योति के साथ पवन सिंह न केवल बदसुलूकी करते हैं बल्कि उन्हें सुसाइड के लिए भी उकसाते हैं। ज्योति ने बताया कि उनके पास हर बात का सबूत है। इस मामले को लेकर बलिया पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि ज्योति की तरफ से शिकायत दर्ज की गई और फिलहाल मामले की जांच हो रही है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने पवन से कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन एक्टर और सिंगर ने उनका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। क्या है पूरा मामला, जल्द ही आपका सामने आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में छठ पूजा का त्योहार 28 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो चुका है। आज इस पर्व का पहला दिन है। छठ को लेकर हर बार कोई ना कोई गाना रिलीज होता है जिसे यूपी बिहार के लोग बहुत पसंद करते हैं। इस बीच भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का एक छठ गीत पटना के घाट पे सामने आया है। इस गाने में उनके साथ खूबसूरत एक्ट्रेस आरोही सिंह भी नजर आ रही है। वीडियो में दोनों की केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। खेसारी का ये गाना इंटरनेट वर्ल्ड में ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। अब तक इस गाने पर 45,000 यूजर्स ने लाइक का बटन दबाया है। वहीं कुछ ही घंटों में ये गाना लाखों व्यूज पार कर चुका है। फैंस इस गाने को दिल खोल कर प्यार दे रहे हैं। बताते चले कि हाल ही में पवन सिंह और टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी का भी छठ गीत सामने आया था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अब ऐसे ही कुछ नए अंदाज में पवनदीप अरुणिता को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी छठ पर्व पे कोई ना कोई गीत तैयार करना चाहिए। देखना होगा पवनदीप अरुणिता अपने फैंस की डिमांड पूरी करते हैं कि नहीं। कल आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इंडस्ट्री की फैशन डीवा उर्फी जावेद अक्सर अपने अतरंगी आउटफिट्स को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनके अजीबोगरीब आइडियाज देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उर्फी अपनी बोल्ड अदाओं से फैंस के होश उड़ा देती हैं, लेकिन कई बार रिवीलिंग कपड़े पहनने को लेकर वो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन अब हाल ही में उर्फी जावेद एक नई मुसीबत में फंस गई हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने अपने नए गाने हाय हाय ये मजबूरी में रिवीलिंग कपड़े पहने हैं जिसके कारण एक्ट्रेस के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। दिल्ली के एक थाने में एक शख्स ने उर्फी जावेद के खिलाफ इस गाने के जरिए एक शिकायत दर्ज की है। बताते चले कि उर्फी जावेद का ये गाना 11 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है। इस गाने में उर्फी रेड कलर की साड़ी में बेहद ही बोल्ड लग रही हैं। गाने में उर्फी का सेंसुअल अवतार काफी पसंद किया गया। गाने को सारेगामापा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था जिसे अब तक 8.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी मिल चुके हैं। उर्फी जावेद के बॉयफ्रेंड की बात करें तो एक्ट्रेस कई टीवी शोज में नजर आ चुकी है। उर्फी ने बड़े भैया की दुल्हनिया, चंद्र नंदनी, मेरी दुर्गा, बेपना, जीजी माँ और डायन जैसे सीरियल्स में भी काम किया। हालांकि उर्फी के करियर में करण जौहर का शो बिग बॉस OTT मील का पत्थर साबित हुआ। उर्फी जावेद इस शो से पहले हफ्ते से ही बाहर हो चुकी थी लेकिन इसके बावजूद भी शो में रहते हुए एक्ट्रेस के ड्रेसिंग स्किल्स ने लोगों को काफी इम्प्रेस किया। इससे शो के बाद तो मानो उर्फी की किस्मत ही बदल गई। आज उर्फी जावेद टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने अपना 25वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया था जिसमें उनके एक्स बॉयफ्रेंड पारस कलनावत भी शामिल हुए थे। आप उर्फी जावेद के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
दिवाली पर हर तरफ धूमधाम दिखाई दे रही है। बॉलीवुड भी इस त्योहार को मनाने में पीछे नहीं रहता है और इसका प्रभाव सिनेमा में बड़े पर्दे पर भी दिखाई देता है। फिल्मों में अक्सर तीज त्योहार दर्शाए जाते हैं। कई फिल्में जिनमें होली से लेकर रक्षाबंधन तक त्योहार मनाए गए और दिखाए गए, उन पर शानदार गाने और फिल्में भी बनाई गई हैं। हालांकि दिवाली पर गिने चुने गाने देखने को मिलते हैं, तो चलिए जानते हैं ऐसी फिल्मों के बारे में जिसमें दिखी दिवाली की धूम और इनके गाने पर आपकी दिवाली की रौनक में भी चार चांद लगा देंगे। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म में परिवार और रिश्तों की अहमियत को बखूबी से दिखाया गया है। इस फिल्म का एक सीन हर किसी को याद रहता है, जब जया बच्चन अपने बेटे यानी शाहरुख खान के लिए दरवाजे पर आरती की थाल लेकर खड़ी होती है। ये सीन दिवाली के अवसर पर फिल्माया गया था। इस फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम और आज भी इस त्योहार पर ये फिल्म खूब देखी जाती है। फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में घरेलू परेशानियों के बीच पति पत्नी का रिश्ता और जबरदस्त कॉमेडी दिखाई गई है। इस फिल्म का गाना आई रे दिवाली सुनो जी घरवाली, दिवाली पर फिल्माया गया ऐसा गाना जो आपके त्योहार को रौनक से और भी बढ़ा देगा। इस फिल्म में जॉनी लीवर और केतकी दवे के बीच दिवाली का एक सीन है जिसे देखकर हंसी को रोक पाना मुश्किल है। बॉलीवुड में कई ऐसे गाने बने हैं जो न सिर्फ खूबसूरती से गाए गए हैं बल्कि दिल को भी छू जाते हैं। दिवाली पर बना ऐसा ही एक गीत है जो लगभग हर किसी ने सुना होगा। 1977 में आई फिल्म सीडी के साई बाबा में दिवाली पर फिल्म बनाई गई है। दिवाली मनाओ सुहानी, जब ये गाना बजता है तो बाबा की भी याद आती है और ये त्योहार भी खूब सेलिब्रेट किया जाता है। 1973 में आई फिल्म जुगनू में भी दिवाली पर बेहद खूबसूरत गाना फिल्माया गया है। इस गाने के बोल है दीप के दिवाली, ये गाना बेहद खास है जो लोगों के दिल को छू जाता है। किशोर कुमार द्वारा गाया गया ये गाना अभिनेता धर्मेंद्र और कॉमेडियन महमूद कई बच्चों के साथ मस्ती करते दिखाई दिए हैं। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों झलक दिखला जा टैन में नजर आ रही हैं। रुबीना दिलैक ने शो में अपने डांस से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर की है जिसने फैंस के साथ साथ टीवी स्लैब्स को भी चिंता में डाल दिया। दिवाली के मौके पर रुबीना दिलैक को लेकर जो खबर आई है उसने सभी को शॉक्ड कर दिया। दरअसल डांस प्रैक्टिस के दौरान रुबीना दिलैक की गर्दन पर चोट लग गई। उन्होंने चोट से जुड़ी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसमें गर्दन के आसपास बड़े बैंडेज लगे दिखाई दे रहे हैं। उनके इस पोस्ट को देखकर हर कोई दुआ कर रहा है कि रुबीना दिलैक जल्द से जल्द ठीक हो जाए। रुबीना दिलैक की पोस्ट में नजर आया कि एक्ट्रेस की गर्दन से लेकर कंधे पर बड़े बड़े बैंडेज लगे हुए दिखाई दिए। वही फोटो के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें दिखाया गया है कि डांस प्रैक्टिस के दौरान सनम के घुटने से रुबीना दिलैक की गर्दन पर चोट लग गई। इससे एक्ट्रेस नीचे गिर गई और कंधे पर हाथ रखकर दर्द से कराह रही हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए रुबीना दिलैक ने लिखा, और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। एंटरटेनमेंट क्वीन रुबीना दिलैक का पोस्ट देखकर स्लैब्स उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।